बच्चों नमस्कार। चलिए आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 3.4 के जो बचे हुए पार्ट्स हैं पहले के। कल के लेक्चर में हमने दो पार्ट्स किए थे, आज के लेक्चर में थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। दोनों विधियों से करेंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि दोनों विधियों से हल करने के लिए हमें इस यहाँ पर कहा गया है। तो उनको हल करने से पहले जो इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जो हमने कल के लेक्चर में किया गया था, वो जब हम इस लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल दिया गया है, अगर वो भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर में 0 और दूसरी है 2y प्लस में 7। तो विलोपन विधि लगाने से पहले बराबर के इस साइड ले जाएं और 2y को इधर ले आए, तो ये समीकरण किस तरह से बन जाएगी, 3x माइनस 5y बराबर में 4 को इधर शिफ्ट कर दें, समीकरण नंबर 1। इसी तरह दूसरी 9x, ये 2y को इस साइड उठा ले आए बराबर में 7, समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि हम लगाएंगे यहां पर, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा करना क्या होता है, x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट, पहले पहला काम उनको बराबर करना होता है। तो इनको बराबर करने के लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके वह उसमें से समीकरण 2 को घटाने पर, पहले इसको गुणा कर देंगे, इसमें से समीकरण 2 को घटा दें, गुणा कीजिए, 3 × 3 = 9x, 5 × 3 = 15y बराबर में 12। क्या घटा दें इसमें से, 9x माइनस का 2y बराबर में 7। तो घटा करेंगे, निशान बदलने पड़ेंगे, ये कट गया, माइनस का 13y, 12 में से 7 गए 5, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर में 5/-13। तो ये y की वैल्यू आपके पास y बराबर माइनस 5/13 यहां से आ चुकी है। तो क्या करें x की निकालने के लिए, y बराबर माइनस 5/13 समीकरण किस में रख दें, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, 3x माइनस 5y बराबर में 4। तो 3x माइनस 5y बराबर में, 3x माइनस माइनस प्लस हो गया, 25/13 बराबर में 4, 3x बराबर 4 माइनस 25/13, 3x बराबर एलसीएम ले लेंगे, 13 आ गया, 52 माइनस 25 बराबर 27/13, तो x बराबर कितना आ गया, 27/13 गुणा में 3, 3 × 3 = 3, 9 × 3 = 17, तो 9/13, x कितना आ गया, 9/13, y कितना आ गया, माइनस 5/13, तो ये आपके आंसर बन गए। अब क्या करना है हमें, इसी सम को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हम शुरू करेंगे, प्रतिस्थापन विधि को लेकर के यहां देखिए, ये 3x है हमारी पहली, माइनस 5y बराबर में 4, ये हमारी पहली समीकरण, 4 को इधर लेंगे। दूसरी समीकरण क्या है, 9x बराबर में 2y प्लस में 7। तो आपको याद दिला दूं क्या करना होता है, समीकरण 1 या 2 से चर का मान निकाल के दूसरे में भरना होता है, या दूसरी समीकरण से हम x का मान निकाल लें। तो x बराबर में कितना आ गया, 2y प्लस में 7, और ये मल्टीप्लाई का 9 है, ये कहां चला गया, नीचे। तो इसको हम क्या दे दें, समीकरण नंबर 3 नाम दे दें, 1 ये 2 उसको 3। तो समीकरण 3 से समीकरण
तीन से x का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या करेंगे, इस समीकरण में हम भर देंगे। तीन x की जगह पर कितना, दो y प्लस सात घटा में नौ माइनस का पांच y बराबर में चार, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, तो ये हमारे पास आ गया दो y प्लस सात। अगर एलसीएम ले ले तो एलसीएम इनका आ गया, ये एक है यहाँ तीन है, एलसीएम कितना आ गया तीन, तो पांच तीन पंद्रह y बराबर में चार, तो ये y का माइनस पंद्रह, ये प्लस का दो y कितना हो गया माइनस तेरह y प्लस सात बराबर में तीन गुना चार बारह, तो माइनस का तेरह वाई बराबर में बारह माइनस सात, तो माइनस का तेरह वाई बराबर में पांच, तो वाई बराबर माइनस का पांच बटे तेरह, तो वाई हमने माइनस का पांच बटे तेरह यहां पर निकाल लिया। माइनस ऊपर लिख दे नीचे लिख दे एक ही बात है, तो वाई बराबर कितना आ गया माइनस पांच बटे तेरह। तो चलते हैं, वाई का मान समीकरण तीन में रख देंगे और एक्स का मान हम निकाल लेंगे। y बराबर माइनस पांच बटे तेरह समीकरण तीन में रखने पर, तीन समीकरण हमारी ये बनी, x बराबर दो वाई प्लस सात बटा में नौ, x बराबर दो माइनस पांच बटे तेरह प्लस का सात बटे लेंगे, एलसीएम कितना आ गया तेरह, तो माइनस का दस तेरह गुना सात प्लस का इक्यानवे और बटा में क्या है नौ, तो नौ हम यहां पर लगा देंगे साथ में, तो कितना आ गया इक्यासी बटा तेरह गुना में नौ प्लस का इक्यानवे माइनस का दस है इक्यासी आ गया, तो नौ कितना आ गया नौ बटे तेरह, एक्स बराबर नौ बटे तेरह और वाई बराबर माइनस पांच बटे तेरह, तो वही आपके आंसर हमें प्राप्त हुए। इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं करी और सवाल को कर लिया। तो अब फोर्थ पार्ट देखते हैं जो बचा हुआ है हमारे पास। माइनस वाई बटे तीन बराबर का तीन, तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को दूर करने के लिए एलसीएम लें, एलसीएम कितना आ गया छः, तो तीन एक्स प्लस चार वाई तीन इधर चला गया दो इधर चला गया बराबर में माइनस का एक, तो तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर में माइनस का छः, तो ये होगी हमारी समीकरण पहली। अब दूसरी को ठीक करें, एलसीएम कितना आ गया तीन, तो तीन एक्स प्लस माइनस वाई बराबर में तीन, तो तीन एक्स माइनस वाई बराबर में तीन गुना में तीन बराबर में नौ, तो ये समीकरण नंबर दो। तो पहला तरीका हम लगाएंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करना है, x के जो गुणांक है उनको बराबर करेंगे जो कि पहले ही है, तो घटा कर दें, समीकरण एक में से दो को घटाने पर, समीकरण दो को घटाने पर, एक क्या है तीन एक्स जोड़ चार वाई बराबर में माइनस का छह, दूसरी क्या है तीन एक्स
माइनस वाई बराबर में नो, तो क्या करेंगे घटाया करेंगे तो निशान हम बदलेंगे, ये कट गए, पांच वाई बराबर में माइनस का 15, तो वाई कितना आ गया माइनस का 15 बटा में पांच, काट के कितना आ गया माइनस का 3, तो वाई बराबर हमारे पास कितना आ गया माइनस का 3, तो वाई बराबर माइनस 3 किसी भी समीकरण में हम भर दें, समीकरण एक में रखने पर, इसको हम समीकरण एक में रख दें, तो ये है हमारे पास समीकरण नंबर एक, 3x प्लस 4y बराबर में माइनस का 6, तो 3x जोड़ 4 गुना में माइनस 3 बराबर में माइनस का 6, तो क्या करें 3x माइनस 12 बराबर में माइनस का 6, तो यहां से माइनस 12 को इस साइड ले जाएं, 3x माइनस 12 बराबर में माइनस 6, तो 3x बराबर माइनस 6 प्लस का 12, 3x बराबर में 6, x बराबर 6 बटा में 3, तो काट देंगे तो कितना आ गया 2, x बराबर हमारे पास 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया था माइनस का 3, तो ये रहा आपका उत्तर। अब रह गया प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हम करेंगे इसी सम को, प्रतिस्थापन विधि ये हमारे पास समीकरण तैयार है, यहाँ एक से मान निकालेंगे दूसरे में भर देंगे, तो जो पहली समीकरण से हम मान निकाल रहे हैं तो 3x बराबर माइनस का 6 और माइनस का 4y, x कितना आ गया माइनस का 6 माइनस का 4y बटा में 3, तो समीकरण नंबर क्या दे दें 3, तो समीकरण 3 से x का मान किसमें रखने समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां देखिए समीकरण 2 क्या है 3x माइनस y बराबर में 9, तो 3 माइनस का 6 माइनस का 4y बटा में 3 माइनस का वाई बराबर में 9, तो 3 से 3 कट गया, तो माइनस 6 माइनस 4y माइनस वाई बराबर में 9, तो ये कितना हो गया माइनस का 5y और 9 प्लस 6, तो माइनस का 5y बराबर में 15, तो यहां से y बराबर कितना आ गया 15 बटे माइनस का 5, 5 किए 15, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 3 उत्तर। तो अभी x का y का मान तो हमारे पास आ चुका है, तो x का मान लाने के लिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर माइनस 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दें x बराबर माइनस 6 माइनस 4y बटा में 3, तो यहां से माइनस 6 माइनस 4 गुना माइनस 3 बटा में 3, माइनस 6 माइनस का 4 और माइनस का 3 12 बटे 3 यानी कि 6 बटे 3, काट के कितना आ गया 2, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 2 और y का कितना आ गया माइनस का 3, तो इस प्रकार दोनों विधियों के द्वारा हमने ये दोनों पार्ट्स हल कर लिए हैं, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई है।